है आपका जानकारी चैनल में। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बिना अवन और बिना माइक्रोवेव के पिज़्ज़ा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमने इसका एक बिल्कुल डिफरेंट और देसी वे निकाला है जिसमें हमें कोई माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल माइक्रोवेव जैसा अवन जैसा जो है पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें जो ली हैं, ये है, ये मैंने चॉप्ड अनियन लिए हैं, ये देखिए जैसे एक एक पेटल मैंने करके इसको इस तरह से रखा है जैसे पिज़्ज़ा पर होता है, और ये मैंने इसके लिए टोमेटो कट किए हैं, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं ये। और ये मैंने कैप्सिकम लिए हैं ग्रीन वाला, आप चाहें तो इसमें रेड कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है पनीर, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, आप चाहें जैसे भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। साथ में मैंने ये लिया है पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने लिया है कॉर्न्स, और ये ऑयल ये थोड़ा यूज़ करेंगे। और ये साथ में मैंने ये लिया है ऑरिगैनो, साथ में हमने ये लिया है मोज़रेला चीज़ जो मैंने क्रश्ड लिया है, आप चाहें तो दूसरा मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें ज़रूरत होगी इसमें मेयोनीज की। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये हम बिना माइक्रोवेव ओवन के कैसे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये लिया है सॉल्ट, ये और सॉल्ट ये है नॉर्मल सॉल्ट है, और ये सॉल्ट मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है, जैसे हम कुछ भी ओवन के बिना बनाते हैं तो ये सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। और उसके बीच में हम इस सॉल्ट को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है, और ये 10 मिनट तक प्री हीट होगा। और इसमें बीच में एक बाउल रखना है, और बाउल को मैंने उल्टा करके रख दिया है, तो इसको प्री हीट होने के लिए रख देते हैं अभी। तो अभी हम इस तब तक पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं बेस। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस पर हम सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, हम लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस हम अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस का ही इसमें फ्लेवर आता है। अच्छे से हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, इस तरह से इसको फैला देंगे हम। और इसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं मेयोनीज, ये हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज मैं थोड़ा कम लगाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी लगा चुके हैं। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने घर में बनाया है, और बहुत ही इजी और बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा सॉस ये बनता है, जिसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज हमने इस पर लगा दी है। इसके बाद हम इसमें ये चीज़ स्प्रिंकल करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ये क्रश्ड चीज़ है तो इसको स्प्रिंकल करना बहुत ही आसान है। तो ये हम इस पर चीज़ लगा देंगे, चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा लगा दें, और अदरवाइज़ ये एक नॉर्मल जितना हम यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर सब्जियाँ लगाने वाली हूँ जो हमने पहले से कट करके रखी हैं, तो इसको इस तरह से हम लगाते रहेंगे। और ये देखिए जैसे बहुत ही कलरफुल और सुंदर हमारा पिज़्ज़ा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पिज़्ज़ा दिख रहा है। और बीच में मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम जो भी इसमें वेजिटेबल ज़्यादा लाइक करते हैं उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा रख सकते हैं, बाकी कम रख सकते हैं, वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। और ये इस तरह से मैंने इसमें सभी सब्जियां बहुत अच्छे से लगा दी हैं, और सबसे बाद में मैं इसमें डालूंगी, ये सबसे बाद में मैं डालने वाली हूँ अभी थोड़े से इसमें कॉर्न्स, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट में भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अब इसके बाद ये सब्जियां लगाने के बाद हम थोड़ा सा चीज़ और स्प्रिंकल करेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से जो है
बिल्कुल मार्केट जैसा पिज्जा बन जाए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको ये सारा पिज्जा का बेस रेडी करके बताया था, तो अब हम ये इस जैसे हमने इसको प्लेट पे रखा है, ये प्री हीट कर लिया हमने बॉल, और हम इसको बहुत ही सावधानी के साथ इस पर रख देंगे। ये हमने पिज्जा ये बॉल पर रख दिया है और इसको हम एक प्लेट से अच्छे से ढक देंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक हीट होने देंगे और फिर हम देखते हैं हमारा पिज्जा कैसा रेडी होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सॉल्ट के अवन हम रेडी करके और उससे देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा ये पिज्ज़ा बना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम मार्केट जैसा इसका टेक्सचर है, और होपफुली खाने में भी ये इतना ही टेस्टी होगा। और इसका कलर और टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये दिख रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी जो भी वीडियोज़ हैं इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें।